क्या शुरू से ही बताया जा रहा है आपका और शालिन का फेक लव है जब से बिग बॉस स्टार्ट हुआ, क्या कहना है? और इसमें एड ऑन है कि ना कि लास्ट वीकेंड का बाद में हमने देखा था जहां पे आपने और शालिन ने बहुत सारे खुलासे किए थे सलमान और सबके सामने, जहां ये कहा था शालिन ने कि आपकी और उनके मैनेजर सेम है और उन्होंने मीटिंग फिक्स की थी, आप लोग मिले थे। सो मैं उनको डेफिनेटली बाहर से नहीं जानती थी, मेरी उनकी मुलाकात घर के अंदर ही हुई है एंड यू नो हम दोनों दोस्त बने, एक दूसरे को जानने लगे, पहचानने लगे और फर्स्ट इंटरेक्शन में एवरीबडी पुट्स देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, चाहे आप है, मैं हूँ, हर कोई है। जब आप एक इंसान के साथ लंबा समय गुजरते हैं और ज़्यादा वक्त निकालते हैं और बिताते हैं उनके साथ, तो आपको उनके पर्सनालिटीज़, उनके कैरेक्टर के बारे में पता चलता है और मुझे ये पता चला कि ही इज़ अ मैनिपुलेटर, यू नो, एंड वो बहुत अपने स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, कभी ये बोलेंगे फिर बोलेंगे नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला, और चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलते हैं। अगर आप तीसरे बंदे को खड़े कर देंगे तो बोलेंगे मैंने ऐसा नहीं बोला। सो कभी भी किसी के ऊपर भी ब्लेम्स डाल देते, सो ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा चल रहा था, यू नो। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ अग्रेशन, जो वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है और शुरू से वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहा है, जो मैं नहीं हैंडल कर पा रही थी, यू नो। उसने मेरे ऊपर चार्ज करके आ गया था, एक पैकेट फेंका था मेरे ऊपर, चीज़ें फेंकना, तोड़ देना, लात मारना। आप एक बार बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते, दो बार, तीन बार दे सकते, लेकिन वो लूप में नहीं बच सकता है। सो व्हेन आई वाज श्योर दैट यू नो ही इज़ नॉट द पर्सन दैट आई कैन बी विथ, सो डेफिनेटली आई हैड टू टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ। और अगर लोगों को ये लगता है कि मैं फेक लव कर रही हूँ और ये चीज़ें फेक कर रही हूँ, तो मैं आखिरी तक फेक करती ना गाइज, तो मैं अपना स्टैंड नहीं लेती। जब मुझे पता है कि फिनाले दो हफ्ते या कुछ दिनों की दूरी पे है, तो मैं फेक कंटिन्यू करती रहती, फिर बाहर आके डिसाइड करती मेरी ज़िंदगी है, किसी को क्या पता चलता। लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं करना था, मुझे अपने लिए स्टैंड लेना था, बिकॉज आई एम अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वूमन जिसने हमेशा अपनी ओपिनियंस रखा है और जिसने हमेशा अपने सही और गलत के लिए आवाज़ उठाया है। जो मुझे गलत लगता था मैंने बोला ये गलत है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस, और उसकी वजह से अगर मैं गलत दिखी बाहर, आई एम सॉरी फॉर माई एक्शंस, बट मैंने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की। व्हाई इज इट ऑल मेरी और प्रियंका की अचानक से दोस्ती नहीं हुई है, हमारी दोस्ती 8-9 हफ्ते से हुई है एंड वो भी इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी दोस्ती का बॉन्ड बिल्ड हुआ है एंड लास्ट फ्यू वीक से हमारी दोस्ती बहुत स्ट्रांग हुई है एंड आई चेरिश आवर फ्रेंडशिप, इट इज़ ब्यूटिफुल। दो स्ट्रांग हेडेड लड़कियाँ जो अपने ओपिनियंस रखते हैं, अपने मुद्दे, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रख सकते हैं, जिनके ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में यू नो हर टास्क में टीना ही होना चाहिए, प्रियंका का ज़रूरी नहीं है कि हर टास्क में प्रियंका ही होना चाहिए, हम के अपने अपने थॉट प्रोसेसेस होते हैं, भले ही वो मैच ना करे, ओपिनियंस मैच ना करे, लेकिन हमारी फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रांग और ब्यूटीफुल है, दैट इज़ समथिंग आई डेफिनेटली चेरिश एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव समवन लाइक प्रियंका एंड शी इज़ एन अमेजिंग एंड अ ब्यूटीफुल सोल। सम मिस्ट्रीज आर बेटर लेफ्ट मिस्टीरियस। नो मोर शालिन क्वेश्चंस यार, दिस इज अबाउट मी, माय बिग बॉस जर्नी। मैं बिग बॉस में 120 दिन रह के आ चुकी हूँ, सो इट हैज टू बी अबाउट मी। शुरुआत में दोनों तरफा दोस्ती थी, जो लास्ट में एंड एंड होते होते एक तरफा होगी, जो आपको लगता है कि शालिन ने शुरुआत में कैमरास के लिए या फिर जनता के लिए वो दोस्ती सी, आप लोगों को सबको दिख रहा है क्या सच्चाई है क्या झूठ है, आप लोगों को दिख रहा है कि कौन एक्टिंग कर रहे हैं एंड इट इज़ अ ब्लेसिंग कि मैं अपना स्टैंड ले पाई और आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिला कि कौन बार बार लोगों के पास जाके किसकी बारे में बातें कर रहे हैं ऑन अ लूप, कौन एक्टिंग कर रहे हैं। सो आई थिंक इज़ अ बेटर एक्टर देन अ पर्सन, यू नो। सो या आई मीन बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिला एंड अभी भी वो घर के अंदर है, सो बहुत कुछ आप लोगों को आगे भी देखने को मिलेगा। सी अगर आप अपनी ओपिनियंस और पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत स्ट्रांगली पुट अक्रॉस करेंगे तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिवली पोर्ट्रे हो जाता है, बट दैट इज़ हु आई एम एंड आई डोंट शाय अवे फ्रॉम सेइंग व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। आई स्टैंड अप फॉर द राइट थिंग्स, आई स्टैंड अप फॉर द रॉन्ग थिंग्स, कि अगर ये सही है तो ये सही है, गलत है तो ये गलत है। उसके बारे में जब आप मुँहफट होते हो, जो आपके दिल में है आप बोल देते हो ना, आप इतना मैनिपुलेट करके जब चीज़ें नहीं बोलते हो डिप्लोमेटिक तरीके से या शुगर कोट करके, तो आपको जज किया जाता है, विच इज़ ओके एंड
पीपल हैव जज मी अर्लियर ऑल्सो विच इज़ ओके, सो इट्स ओके. मैं ये बोलती हूँ कि मैंने सच्चाई बोला है, मैं मेरी सच्चाई है. क्योंकि मैंने वो चीज़ का बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है. मैं इंसान को, हर इंसान को बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ. मुझे नहीं पता था कि ओके फाइन ये सब एक्चुअली यू नो मे बी. और ये चीज़ मैंने तभी बोला जब मेरे ऊपर 2-3 हफ्ते से ब्लेम गेम चल रहा था, यू नो. और इट वॉज़ जस्ट गेटिंग टू मच ऑन मी. जब मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ कि ये तो ऐसी है, वट एवर जो भी मेरे बारे में बोला गया, मुझे बार बार रिपीट नहीं करना है. दैट्स वेन आई वेंटेड आउट, एंड दैट टू वन पर्सन ओनली इन द इंटायर हाउस. किससे? प्रियंका के साथ मैंने वेंट आउट किया था, जो भी मेरे ऊपर बहुत भारी पड़ गया था. बट इट्स ओके. नो मोर शालीन क्वेश्चंस प्लीज. मेरे लिए सवाल पूछो. टॉप थ्री, ऑनेस्टली जेन्युइनली बोलूँ, गेम के पर्सपेक्टिव्स को देखते मद्देनजर रखते हुए, देन प्रियंका फॉर श्योर, शिव येस, शिव के अपने ओपिनियंस और मुद्दे रहे हैं, एंड अर्चना, चाहे वो भला अच्छा हो बुरा हो जैसे भी हो, लोगों को हर्ट कर दे या कुछ बातें अग्रेशन में गुस्से में बोल देती है बिना सोचे सामने, पगलेट है, बट दिल की कहीं ना कहीं वो अच्छी है, ख्याल भी करती है, केयर भी करती है. सो डेफिनेटली ये तीन को मैं देखना चाहूँगी. जिसके साथ मैं दोस्ती रखना चाहूँगी वो ये है कि प्रियंका के साथ मैं डेफिनेटली दोस्ती रखना चाहूँगी, बिकॉज शी इज़ बीन एन अमेजिंग फ्रेंड. एंड अर्चना के साथ भी मैं दोस्ती रखना चाहूँगी. आई डोंट नो, मैं ये मानना ये बोलती हूँ कि मैंने अपना 200% दिया है, मैंने अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यूज हर चीज़ रखा है. बट आई नो इट फॉर अ फैक्ट, आई एम कंटेंट नोइंग कि यू नो इन स्पाइट ऑफ गोइंग थ्रू सो मच, आई हैव लॉस्ट माई फर बेबी, मैंने अपने डॉग को खोया है, मैंने 2 बार अपना एंकल टूट गया, मेरा दांत टूट गया, यू नो आई हैड टू गो थ्रू ऑल द वीकेंड का वार एपिसोड्स एंड ट्रामा एंड एवरी थिंग. उसके बाद भी मैंने सर्वाइव किया है. सो एंड ऑफ द डे इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस एंड आई केम आउट एज अ सर्वाइवर, यू नो. सो आई डोंट नो अबाउट कलर्स का फेस और वट एवर, इट मे बी डजेंट वर्क लाइक दैट ऑफकोर्स, बट आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि मैंने अपना 200% दिया है और उसमें मेरा कोई रिग्रेट नहीं. आई हैव नो क्लू अबाउट दैट. शी डिड नॉट वॉक आउट अगेन, दैट वॉज अ रॉन्ग एडिट. शी सेड कि आई एम अपसेट और मैं पानी पीने जा रही हूँ, और वो पानी पी के वापस आ गई थी. सो सी दैट वॉज अगेन अ रॉन्ग नरेटिव. वो पूरा जो था वो उस तरह से नहीं था सिचुएशंस. इट वॉज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन जो आप लोगों को देखने को मिला था. वो उस एपिसोड में ये बोला गया था कि यू नो जब मैं बोलने की कोशिश कर रही थी और मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैम प्लीज़ एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज़ एक बार सुन लीजिए कि मुझे क्या कहना है, असलियत में क्या हुआ था, मुझे पता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि यू नो अगर मेरा ही डेंटिस्ट नहीं आएंगे तो मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी या वट एवर. इट वॉज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट नरेटिव ऑल टुगेदर. सो जब आप बार बार किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या बार बार अगर आप किसी एक्टर से सवाल पूछ रहे हो, वो एक्टर आपको जवाब नहीं दे रहे, तो आपका ऐसा हो जाता है क्यों, मतलब एक बार तो सुनो ना. होता है कि नहीं? हर इंसान का होता है. तो मेरा भी ऐसा हो रहा था कि मैं रिक्वेस्ट कर रही थी, आई वॉज बेगिंग कि मैम प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन रहे हैं. देन आई वॉज लाइक, सो वो करेक्ट, दिस वॉज माई रिएक्शन. आई वॉज लाइक मैं क्या बोलूँ अब. तो उसको फिर बोला गया कि यू नो दैट वॉज एन एटीट्यूड प्रॉब्लम. अब निमृत बोल रही है एटीट्यूड प्रॉब्लम. अगर मैं बोल रही हूँ निमृत, ये आप में से किसको लगा मैं एटीट्यूडली आपको आवाज़ दिया है? सो ये आप जिस तरह से पोर्ट्रे करेंगे उस घर में, वो आपका सोच है, आपका परसेप्शन है. आई जस्ट कॉल यू, यू नो जब कल फरा मैम भी थी और कार्तिक भी था, उन्होंने भी बोला ये बहुत क्यूटली था. और जब तक मैंने किया, आप एपिसोड रिवाइंड करके भी देखना, शी वॉज इन द कैप्टन्स रूम, बहुत सारे लोग बैठे थे, मुझे अंदर नहीं जाना था, आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल. तो मैंने दूर से आवाज़ दिया कि निमृत. सो ये एटीट्यूड कैसे हो गया? उनको लगा कि मैंने दूर से ऐसे वेव करके आवाज़ दिया, मतलब मैं एटीट्यूड दिखा रही हूँ, मेरे को रूम के अंदर जाके बुलाना चाहिए था. सो आपका सबका अपना अपना परसेप्शन. आपको नहीं लगता मंजरी थोड़ी ज्यादा ही प्यारी है बिग बॉस को? आप लोगों को ज्यादा ये मैंने बोला, आपने सुना नहीं था? टॉप 3 मैंने बोला. मंडली को थोड़ा ज्यादा ही अटेंशन मिल जाता है, वो लोग थोड़ा ज्यादा ही बदमाशियां कर लेते हैं, जबकि आप दो लड़कियां अलग पड़ जाती हैं, कभी कभी अर्चना आ जाती है.
मंडली के अगेंस्ट ये सिर्फ मैं और प्रियंका ही आवाज़ उठा रहे थे, बाकी सब मंडली का हिस्सा है। अब उनको अपना इंडिविजुअल गेम नहीं खेलना, इंडिपेंडेंटली नहीं खेलना है, तो उसमें हम कुछ ही नहीं कर सकते। हम बोल सकते हैं, सलमान सर भी समझाते हैं, जगाने की कोशिश करते हैं, बट अगर आपको ग्रुपिज्म ग्रुपिज्म खेलना है तो वो गलत हो जाता है, बिकॉज ये इंडिविजुअलिटी का शो है जहाँ पे आप अपना रियल परसेप्शन लोगों को दिखाते हैं। सो वो थोड़ा सा आगे के लिए, बाकी सीजन्स के लिए थोड़ा सा वो किसके बारे में बिचिंग नहीं करते गाइस, अब सबको पता है हर लड़की के बारे में गंदा बुरा बोला है, कौन से लड़की को छोड़ा है इस पूरे शो में, आप सबको पता है। बट ठीक है, दैट इज हिज पर्सनालिटी, हिज परसेप्शन। बट थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, इट वाज लवली चैटिंग विद यू ऑल एंड लव यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हां जी, हाउ स्वीट, थैंक यू, थैंक यू।